Today we are going to discuss about the nuclear energy, the energy which we receive from the the radioactive elements like uranium and plutonium, basically. And so first we will be discussing about the history outline ki ye type of energy kaise evolve ho gayi, pehle kahan use hoti thi. तो साइंस ऑफ जो एटॉमिक रेडिएशन जो है बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड देन इज़ न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब दो लाइट वेट एटम्स फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स न्यूक्लियर फोर्स. तो वो एक हेवियर एलिमेंट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सन के कोर में जो न्यूक्लियर प्रोसेस होती है जहाँ से जो एनर्जी निकलती है दैट इज़ जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं देन दे क्रिएट हीलियम प्लस दे आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी. तो ये एक जो है मेथड है बाय विच वी कैन क्रिएट द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स दो एटम्स आपस में मिलते हैं उनके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं. बट देन अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द एटॉमिक चेंज और एटॉमिक रिएक्शन इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है हेवी जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है एंड विच इमिट्स रेडिएशन. तो उसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं ब्रेक करते हैं इन टू द स्मॉलर एटम्स. उसके अलावा वहाँ पे एटम्स जो क्रिएट होते हैं लाइट वेट एटम्स जो क्रिएट होते हैं उसके अलावा वहाँ से एनर्जी भी निकलती है तो उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स दे माइट हैव स्टडीड दिस न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन इन क्लास 10th 11th और 12th. सो जो न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप हुआ था 1895 और 1946 के आसपास जिसके बाद जो अगर आप याद रिकॉल करते हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एटम बॉम्ब गिरे थे वो इन द ईयर ऑफ 1945 में गिरे थे. तो एट दैट मोमेंट द न्यूक्लियर फिशन एंड वायर क्रिएटेड मीन्स कि एटम बॉम्ब जो बनाए गए थे उस टाइम दे वायर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिशन. तो वहाँ पे जो हेवी मेटल्स होते हैं रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235 इसका जो होता है एटॉमिक मास होता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर 236 होगा 238 होगा तो ये जो है एनर्जी हमें नहीं देगा इसमें न्यूक्लियर फिशन नहीं होगा. वैसे ही प्लूटोनियम 239 है तो ये एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ होते थे उस टाइम. बट देन वो एक फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट था अप टू नाउ कि जब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया गया था इन द फॉर्म ऑफ वेपन. तो आजकल बहुत सारी कंट्रीज के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब्स. दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन द न्यूक्लियर जो बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी हिरोशिमा पे. बट देन देयर वाज वेरियस ट्रीटीज लाइक सीटीबीटी जो हुई थी बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड वेरियस अदर कंट्रीज. तो उसकी वजह से जो है यूज़ ऑफ न्यूक्लियर अटेम्प्ट्स फॉर द वॉर जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया. बट द 1945 के बाद जो भी एनर्जी जो हम यूज़ करते थे न्यूक्लियर जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे फॉर न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर फिजिक्स था तो उसको ओरिएंट किया गया था बेसिकली फॉर द मेकिंग ऑफ एनर्जी फॉर द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो पहले 1945 से पहले मोर फोकस वॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी. बट आफ्टर 45 द अटेंशन वॉज डाइवर्टेड फॉर द हार्नेसिंग ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो फिर 1956 में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था दिस इज वन ऑफ द जो एग्जाम्पल है ये यूएसए में बनाया गया था. दिस इज़ काइंड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है. वी विल डिस्कसिंग इन डिटेल कि किस किस टाइप का सेटअप होता है अंडर एंड व्हाट आर द वेरियस जो उसके अदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं जिससे हम जो कंट्रोल कर सकते हैं. क्योंकि जो एटॉमिक एनर्जी होती है ये वास्ट होती है तो एक छोटे से
वेसल में इसको क्रिएट करना, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टॉपिक। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी मेंटेनेंस में या रनिंग में ऊपर नीचे हो गया, देन इट कैन लीड टू अ डिज़ास्टर। बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर हो गए जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय, मतलब जो जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स जो डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस पूरी प्रोसेस को, न्यूक्लियर फिशन को, एक छोटे से इसमें कंट्रोल चैम्बर में करना, देन वी विल बी डिस्कसिंग इसमें क्या क्या आगे हुआ है। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है, इसमें जैसे मैंने अभी कहा आपको, बेसिकली यूरेनियम 235 यूज़ होता है। यूरेनियम 235 बेसिकली ओर की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे आयरन ओर होता है वगैरह। तो यूरेनियम 238 मोस्टली अवेलेबल है, 98% जो अर्थ के ओर्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज यूरेनियम 238। उसको फिर वेरियस एनरिचमेंट प्रोग्राम्स करते हैं, मीन्स उसको कन्वर्ट करते हैं 235 में, दैट इज द जो वैलिड फ्यूअल है फॉर क्रिएटिंग द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर जो फिशन है। तो बेसिकली न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, स्प्लिटिंग अपार्ट द एटॉमिक न्यूक्लियर। जो यूरेनियम 235 का है, इसका न्यूक्लियस जो है इसको हम तोड़ते हैं बाय वेरियस मेथड्स, बेसिकली बाय बम्बारिंग विद न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जो है एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, तो उसकी द्वारा इसको ब्रेक करते हैं, देन वहाँ से एनर्जी निकलती है, वो न्यूक्लियस तोड़ने की वजह से एनर्जी निकलती है। तो यूजुअली जो जो पैरेंट आइसोटोप होता है यूरेनियम 235, यहाँ पे अगर आप देखोगे उसमें ऑलरेडी रेडिएशंस जो निकलती है न्यूक्लियस से, दैट आर अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो अल्फा रेडिएशन जो है बेसिकली इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, बीटा बीटा जो है रेडिएशन में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो 1 ग्राम यूरेनियम 235 में उतनी एनर्जी होती है जितनी एनर्जी 2 से 3 मिलियन जो है मतलब जो एक, अगर हम एक कोल का 1 ग्राम लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो एनर्जी है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 मिलियन टाइम्स। तो उतनी एनर्जी जो वहाँ से निकलेंगी, दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 आफ्टर द न्यूक्लियर फिशन। तो ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ से एनर्जी निकलती है। हम अंदर का सेटअप पूरा अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ से जब एनर्जी क्रिएट होती है, तो फिर जो वाटर का सर्किट होता है, तो वो हीटअप करता है सेकेंडरी सर्किट को, वहाँ से टर्बाइन रन करता है, और जो ये वाटर है इसको कूलिंग जो टॉवर्स होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट्स में इस टाइप के टॉवर्स होते हैं जहाँ से धुआं निकलता है, वो धुआं नहीं होता है, वो वाटर वेपर्स होते हैं। तो वो बेसिकली जो वाटर यहाँ पे है उसको कूल डाउन करने के लिए इसको इस टाइप के जो है जो चिमनी वगैरह में सर्कुलेट किया जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यूरेनियम जो है ओर इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड जो है रॉक के फॉर्म में होता है, और 99 जो मैंने भी कहा 99 to 98% जो यूरेनियम ओर होता है वो होता है उसमें होता है यूरेनियम 238, जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसको हम एनरिच करना पड़ता है। तो यूरेनियम 235 जो होता है ओनली 1% के आसपास होता है। तो 1 टन ओर में तकरीबन तकरीबन जो अगर हम ओर निकाले ज़मीन से, जहाँ पे यूरेनियम, जैसे हम आयरन ओर निकालते हैं, तो 1 टन अगर हम ओर निकालेंगे जहाँ पे यूरेनियम के जो है गोदाम जो मतलब नेचुरली जो पाए जाते हैं, वहाँ पे 6.6 पाउंड्स ऑफ यूरेनियम पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तकरीबन वहाँ पे 78.9 मिलियन पाउंड्स जो यूरेनियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, दिस विल बी रिलेटेड टू द प्रीवियस स्लाइड, कैसे न्यूट्रॉन्स जो है, कैसे ये यूरेनियम एटम ब्रेक हो जाता है बाय इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, तो ये ब्रेक हो जाता है फ्रॉम इनटू द क्रिप्टॉन एंड बैरियम। तो इस ब्रेकडाउन में 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं जो अदर यूरेनियम जो है एटम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक चेन रिएक्शन है, कंटिन्यूअस रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक यूरेनियम एटम है, इसको न्यूट्रॉन से हमने बम्बार्ड किया एट स्लो स्पीड, नॉट फास्ट स्पीड, स्लो स्पीड, ताकि इसके न्यूक्लियस में घुस जाए, एंड देन इट ब्रेक डाउन इनटू क्रिप्टॉन एंड बैरियम।
तो वहाँ से और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और वो अदर यूरेनियम जो एटम्स है उसको ब्रेक डाउन करके चेन रिएक्शन बनती है, फिर यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो हर किसी ब्रेक डाउन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं हर किसी एटम से और वो अदर 3 एटम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस चेन रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे भी एक पिक्चर डायग्राम में बताया गया था, बट अगर हम अब देखेंगे एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। देखो ये इसमें 3 टाइप्स ऑफ जो असेंबलीज होती है, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें बेसिकली एनर्जी निकलती है फ्रॉम द यूरेनियम, वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू द थर्मल एनर्जी जो यहाँ पे लिक्विड होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा लिक्विड होगा, वाटर यूजुअली होता है। तो वो वाटर जो हीट अप करता है हीट एक्सचेंजर में दूसरे वाटर को, जो वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस करता है और स्टीम को हाई प्रेशर से टरबाइन पे रन करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, वो टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में, जो आपको पता ही है, वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। तो अब ये गर्ज यहाँ पे है कि ये आप डायरेक्टली क्यों नहीं यहाँ पे करते। बहुत सारे ऐसे रिएक्टर्स भी है जहाँ पे डायरेक्टली हम जो है स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, बट उसमें जो है ब्रेक डाउन के चांसेस, मीन्स कि उसमें जो खतरा होता है रिएक्टर को नुकसान पहुंचने का, ज़्यादा होता है। बिकॉज जो एक क्लोज चैम्बर में जो प्रेशर मेंटेन होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन भी होगा ये वाला पोर्शन, फिर भी ये वाटर जो होता है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये यूरेनियम के, तो ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है ये पोर्शन। तो ये एक सेफ्टी मेजर है, इसको हीट एक्सचेंजर में दूसरे वेसल में जो पानी है उसको गर्म करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली एक रॉड्स होते हैं, फ्यूल जिसको बोलते हैं, जिसमें हम यूरेनियम-235 के पैलेट्स रखते हैं छोटे छोटे से। तो उसको हम बम्बार्ड करते हैं स्टार्ट, जब भी हमें गैस को स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, माचिस से गैस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, उसका क्या है सोर्स, डिफरेंट जो है अपैरेटस से वो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो एक एटम जब स्टार्ट करेगा ब्रेक डाउन होने में, तो वहाँ से 3 और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो फिर चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो उसके अलावा इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कंट्रोल रॉड्स होती है ग्रेफाइट की रॉड, जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट होता है, वही रॉड होती है जो जो अगर हमें कंट्रोल करना है उसको, अब ज़्यादा एकदम से वो एक एटम से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वहाँ से और 3, 3 से निकलेंगे और 27, तो मीन्स वो उसका जो है अमाउंट बढ़ता रहता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोल रॉड्स लगानी पड़ती है जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, जो उसको एटम्स यूरेनियम एटम्स तक नहीं पहुँचने देती है, तो उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसमें एक फ्लूड होता है जिसको मॉडरेटर बोलते हैं, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करता है ताकि वो न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम में जो है एब्जॉर्ब हो जाए, वहाँ से फिशन का जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को, इसको हम आगे जाके भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इन वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसमें मॉडरेटर यूजुअली यूज होता है, वाटर, वाटर एज अ मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को डिक्रीज करता है। देन ये एक अनदर पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें कंट्रोल रॉड से ये वाला, ये कोर है, इसमें फ्यूल रखा जाता है और ये मॉडरेटर है, जो वाटर है यहाँ से पंप किया जाता है, हीट अप हो जाता है, फिर ये स्टीम जनरेटर में जाता है, वहाँ से जो पानी आता है कोल्ड वाटर जो जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है, इस इन पाइप से हीट जो एक्सचेंज होती है, एंड देन स्टीम क्रिएट्स एंड जो टर्बाइन को रन करती है। तो ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम है कैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। इसके अलावा जैसे ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोर है यहाँ पे, ये यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स वगैरह लगी है, बीच में फ्यूल होता है, इसमें बीच में एक मॉडरेटर्स वगैरह भी लगे होते हैं। एंड देन ये एक फ्यूल है, इसमें यूरेनियम रखा जाता है, ये वाला फ्यूल रॉड्स यहाँ पे, ये असेंबली है, इसमें पैलेट्स होते हैं, ये एक एग्जांपल है, ये यूरेनियम ये जो फ्यूल यूज़ होता है, इतना छोटा यूज़ होता है। तो इसी को हम बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से
वहां से फिर एनर्जी निकलती है। तो अब कंट्रोलिंग द फिशन जो है, न्यूक्लियर फिशन को कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलिंग रॉड, ये फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल जो अभी मैंने बताया प्लेट्स, ये वाले प्लेट्स जो आपको मैंने बताए थे, ये वाले, दीज आर द यूरेनियम प्लेट्स जो यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे रखे जाते हैं फॉर एग्जांपल। तो जब हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, वहाँ से न्यूट्रॉन निकलते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इस बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें वाटर होता है एज अ मॉडरेटर एंड एज अ कूलेंट। एक तो ये हीट को सर्कुलेट करता है, एक्सचेंज करता है विद द हीट एक्सचेंजर स्टीम जनरेटर के साथ, प्लस ये जो न्यूट्रॉन्स है इनकी स्पीड को भी स्लो करने के लिए, अगर ये स्पीड स्लो नहीं होगी, न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये इस फ्यूल में कैप्चर नहीं होंगे, इनके न्यूक्लियस में कैप्चर नहीं होंगे, देन इट विल नॉट क्रिएट चेन रिएक्शन। तो उसके लिए इनकी स्पीड को कम करना होता है, तो इसमें हम वाटर रखते हैं, तो वाटर एक्ट्स एज अ मॉडरेटर, इट एक्ट्स एज अ कूलेंट। तो अगर हमें ये रिएक्शन अब बंद करनी हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करना है फॉर सम मेंटेनेंस इश्यूज, तो हम बीच में इसमें कंट्रोलिंग रॉड्स लगाते हैं, तो यूजुअली वो ग्रेफाइट रॉड्स होती है, तो वो हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स कैप्चर करता है वो, तो ये जो है रिएक्टर बंद हो जाता है। तो ये एक और पिक्चर है इन डिटेल। तो ये जो है, ये कंट्रोल, ये फ्यूल है यहाँ पे, इसमें यूरेनियम होता है यूजुअली, जो फ्यूल असेंबली होती है जो मैंने भी बताया, तो ये यहाँ पे बीच में इसमें जो है कूलेंट होता है, ये वाटर हो सकता है या कोई अदर लिक्विड हो सकता है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रोलिंग रॉड्स है, अगर हमें इसको रिएक्शन को बढ़ाना हो या डिक्रीज करना हो, ये हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इनको पीरियोडिकली, डिपेंड करता है हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो उसके अलावा जो यहाँ पे पंप के ज़रिए हम पानी सर्कुलेट करते हैं अंदर, तो वो हीटअप हो जाता है, फिर वो अंदर जाता है कूल होने के लिए, तो ये स्टीम एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे भी पानी होता है, तो ये पानी फिर बॉयल होता है, ये 60 डिग्री या 70 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है, इट इज़ अराउंड 600-500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो इसमें स्टीम एकदम से प्रोड्यूस होती है, देन वो स्टीम को हम फिर टर्बाइन के साथ रन करते हैं, और स्टीम को फिर से कंडेंस करने के लिए एक अदर जो है हीट एक्सचेंजर में हम सर्कुलेट करते हैं इस स्टीम को, जो इसको फिर से लिक्विड फॉर्म में लाती है, जो फिर से इसको इस चैम्बर में, तो उस जो है कूल करने के लिए हम पानी, जो वाटर रिसोर्सेस होंगे वहाँ पे, शायद ओशन हो, लेक्स हो या रिवर्स हो, अक्सर जो भी पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ये वाटर बॉडी के आसपास ही होता है, क्योंकि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देख सकते हो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शंस में इसमें पानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये जो यूरेनियम फ्यूल है, ये जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट निकलते हैं, जैसे क्रिप्टॉन है, बैरियम है, ये हमें बाहर निकालने होते हैं, तो इसको हमें डिपॉजिट करना होता है एट सेफ प्लेस। तो फिर ये जो जनरेटर्स रन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर हमें निकलता है। तो उसके बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ से निकलते हैं, जैसे बैरियम मैंने बात कही है, यहाँ पे अगर हम कम्बशन ऑफ जो कोल वगैरह करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हम कोल को बर्न करें, बट यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो बहुत ही हैजार्डस होता है, मीन्स कि अगर आप रेडियो एक्टिव, खुदा ना खास्ता अगर आप रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के साथ एक्सपोज हो गए, देन देयर विल बी सम जो है आपकी जेनेटिक चेंज हो सकती है, म्यूटेशंस हो सकती है, तो उसको सेफली डिपॉजिट करना पड़ता है। अब हर किसी रेडियो एक्टिव, चाहे वो यूरेनियम हो या उसका जो वेस्ट है, उसकी हाफ लाइफ होती है, मीन्स कि कितने साल में वो डिग्रेड होके खुद से, क्योंकि वहाँ से रेडिएशन जो निकलती है अल्फा बीटा एंड गामा, वो ब्रेक डाउन होता रहता है अंदर से, तो वहाँ से जो रेडिएशंस निकलती है उसकी वजह से जो है उसका जो अमाउंट, साइज डिक्रीज होता है, मास डिक्रीज होता है, तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं कि कितने साल में उसका जो है साइज मास डिक्रीज होगा अप टू हाफ, तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे बैरियम 142, ये इसकी जो हाफ लाइफ है अराउंड 4 मंथ्स है, या आयोडीन 129, इसकी हाफ लाइफ है 15.7 मिलियन ईयर्स,
4 months को तो फिर हम मैनेज कर सकते हैं, बट अबाउट 15.7 मिलियन ईयर्स, तो मीन्स कि इसकी जो रिस्क है बहुत ही ज़्यादा है। इसको एक सेफ लोकेशन पे हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और अगर ये एक्सपोज हो गया टू द इकोसिस्टम और टू एनी फूड चेन, तो ये फिर जो है एक फूड चेन में आके पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको चेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जो यूरेनियम-235 की है हाफ लाइफ, इट इज़ अराउंड 704 मिलियन ईयर्स। मीन्स अगर हमारे पास 1 kg यूरेनियम-235 है, उसको आधा kg बनने में खुद से 704 मिलियन ईयर्स लगेंगे। मीन्स बहुत लंबा टाइम है, कि तभी जितने भी ओर है यूरेनियम-235 के ओर जो अर्थ में है बहुत ही स्लोली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बट अदर जो इसके दूसरे आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफर करता है। जैसे कार्बन-14 का जो हाफ लाइफ, इट इज़ अराउंड 300 एंड 3,500 ईयर्स, मीन्स 3,500 साल लगेंगे उसको ब्रेक डाउन होने में 1 kg को हाफ kg में। फिर उस हाफ kg को जो है 0.25 kg में कन्वर्ट होने में और उतने साल लगेंगे। मीन्स हाफ लाइफ इसको इसलिए बोलते हैं। अब इसको जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो डिके है, ये मेजर किया जाता है इन बैक्यूरल्स। ये इसका यूनिट है, 1 बैक्यूरल इज डिके टू 1 एटम पर सेकेंड। एक एटम 1 सेकेंड में जब डिग्रेड हो जाता है, डिके हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन जो निकलती है, ब्रेक डाउन हो जाता है इन टू स्मॉलर एलिमेंट्स, एक बैक्यूरल कहते हैं। और एक क्यूरी इज इक्वल टू 337 बिलियन डिकेज पर सेकेंड। तो ये बहुत ही जो है माइन्यूट क्वांटिटी में कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जब भी हमारा जो कोई न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, उसको हम कैसे एक शेल में, फिर उसको दूसरे शेल में डालते हैं जिससे रेडिएशन बाहर नहीं निकलती है। देन या तो उसको डीप कहीं सॉयल में जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, या कोई भी अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना, अर्थक्वेक वगैरह ना हो, तो वहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, नीचे वहाँ पे रखते हैं। आपने देखा होगा एक मूवी थी गॉडज़िला, जिसमें वो एक जानवर है जिसका नाम गॉडज़िला है, जो था वो मॉन्स्टर हमेशा इन सर्च ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट था। जहाँ पे भी उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स, जो भी वहाँ पे कोई भी कंट्री थी, वो USA शायद, तो वो दैट जो ऑर्गेनिज्म वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो उसका खाना था। तो उसमें एक जगह वो एक अंडरग्राउंड एक पहाड़ में उन्होंने एक न्यूक्लियर वेस्ट को डिपॉजिट किया था, तो उस पहाड़ में घुस गया था वो, वहाँ से जितने भी उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को डंप किया था उसको खा रहा था वो। मीन्स कि इसको अच्छे से हमें जो है मैनेज करना है। देन ये जो पूरा आप देख रहे हैं येलो ड्रम्स वगैरह, ये एक लैंडफिल साइट है जहाँ पे हम न्यूक्लियर वेस्ट उसको फिर पूरा जो ये वॉल्स है, जिन वॉल्स में जो रेडिएशन पेनिट्रेट ना हो, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने सूट भी पहना है। ये सूट है, इसमें रेडिएशन पास नहीं होती है। तो या तो हम डीप अंडरग्राउंड में इसको जो है बरी करते हैं, या हम इसको स्पेस में छोड़ते हैं मून वगैरह पे, या तो हम अंटार्कटिक आइस शीट्स में, जो वहाँ पे तो पॉपुलेशन है नहीं, तो वहाँ पे हम इसको जो है डिपॉजिट करते हैं, या ओशंस में करते हैं जहाँ पे जियोलॉजिकल जो मोमेंट्स है बहुत, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये बहुत कम फ्रिक्वेंटली आते हैं, वहाँ कर सकते हैं। या इसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं लेस हार्मफुल कंपाउंड्स में, जिसमें रेडिएशन ना निकलते। थोड़ा सा वो कॉस्टली हो जाएगा, बट जो अंडरग्राउंड एंड सीज एंड अंटार्कटिक आइस में, दिस थिंक इज इकोनॉमिकल एंड मैनेजेबल। तो अब न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। एक तो मैंने कहा था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे 1945, उसके बाद बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए थे रिलेटेड टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 1986 एक्सप्लोजन हुआ था रिएक्टर का इन चिरनोबाइल, जो रशिया उस टाइम था, अब यूक्रेन में है इस टाइम। तो उसमें जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स थे, तकरीबन 10,000, मोर देन 10,000 जो लोग उसमें जल के राख हो गए थे, बट ऑफिशियल फिगर्स आर वेरी लेस। देन 3 माइल इंसिडेंट जो USA में हुआ था 1979 में, इसमें पूरा जो कोर है, जो हमने जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो मेल्ट डाउन हुआ था। फिर रिसेंटली 2011 में फुकुशिमा, जो अर्थक्वेक एंड सुनामी की वजह से वहाँ पे
जो है पूरा डिस्ट्रॉय हुआ था। तो ये जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, एक तो यहाँ से आपको जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, वो पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय होता है। उसके अलावा जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अराउंड द वाटर बॉडीज़, तो वहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशंस है वो पानी में जो एलिमेंट्स है वो रिलीज होते हैं, देन इट कैन बी वेरी डिजास्ट्रस, बिकॉज जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ओशंस में, वाटर बॉडीज में, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। देन इट कैन बी कुछ साल में वहाँ पे जेनेटिक चेंजेस भी देखी जाती है, गई है बेसिकली बेसिकली इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। अब जो न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम कंपेयर करें विद कोल एनर्जी, तो एक है फॉर एग्जांपल एक 1000 मेगावाट्स का न्यूक्लियर प्लांट है, उसको एक साल में एक बार हमें रिफ्यूल करना पड़ेगा, मीन्स कि एक साल में एक बार उसको फ्यूल डालना पड़ेगा, जो तो हमने प्लेट्स बताए आपको। तो बट जो कोल पावर प्लांट है उसमें 80 रेल्स हर दिन चाहिए, मीन्स कि उसमें जो है फ्यूल हर दिन चाहिए, कोल जो बर्न होता है उसमें एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर। तो यहाँ पे 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक साल में एक बार रिफ्यूल करना पड़ता है, और कोल पावर प्लांट में 80 रेल में कितना जो टन्स ऑफ जो कोल होगा हर दिन उसमें चाहिए फ्यूल एज अ फ्यूल। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूल में जो है एम्पल सप्लाई, जो न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम भी एम्पल सप्लाई में है, तो इसमें हाई नेट एनर्जी यील्ड, तो इसमें नेट एनर्जी यील्ड कम होता है, वेरी हाई पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पोल्यूशन कम होता है, इमिशन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होता है बट न्यूक्लियर वेस्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हाई लैंड डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द सरफेस माइनिंग, जहाँ पर भी हम कोल माइनिंग वगैरह करते हैं उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस होती है, फॉरेस्ट वगैरह जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इसमें एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही हमें ओर मिलेंगे यूरेनियम के ओर, तो जो डिस्टर्बेंस है लैंड डिस्टर्बेंस वो कम मिलेंगी हमें। तो हाई लैंड यूज़, इसमें लैंड यूज़ कम चाहिए फॉर पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट्स हमें बनाते हैं उसमें लैंड यूज़ ज़्यादा चाहिए, इसमें मॉडरेट लेवल पे चाहिए। तो इसमें एनर्जी जो यूज़ होती है प्रोड्यूस होती है उसमें जो है लो कॉस्ट पे होती है, सब्सिडीज ज़्यादा होती है बिकॉज कोल इजीली अवेलेबल होता है, इसको मतलब वो खतरा नहीं होता है फ्रॉम अगर टेररिस्ट्स वगैरह चुराएंगे इसको। तो यूरेनियम जो होता है इसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और सब्सिडीज भी बहुत कम होती है, मतलब इसको एज अ फ्यूल बनाने के लिए गवर्नमेंट्स को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ेगी चलाने के लिए, इसको सब्सिडीज जो है मतलब कॉस्ट ज़्यादा होता है फ्यूल का, आप ये मानो। अब उसके क्या हिडन कॉस्ट होंगे अदर, वो आप डिटेल में देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट करती है यूरेनियम, उनके क्या प्रोटोकॉल्स है, कैसे वो फाइनेंस वगैरह करते हैं। तो अब इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में जो है मेजर पावर प्लांट्स जो है यूपी में है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है, महाराष्ट्र में दो है, तारापुर काकरापुर पावर एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर कर्नाटक में है, देन मद्रास में है जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और भी कुछ ये वर्किंग जो है पावर स्टेशंस है, बट और भी जो पावर स्टेशंस बन रहे हैं बने हैं, ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ द पावर प्लांट्स। तो अगर हम दुनिया में देखेंगे पूरे ग्लोब में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूरोपियन कंट्रीज में है, एंड देन सम इन अफ्रीकन कंट्रीज, थोड़ा सा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी है, एंड देन यूएसए में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है बट यहाँ पे नहीं दिखाया गया, एंड देन इन चाइना एंड इंडिया में भी आप देख सकते हो रेड डॉट्स। अब इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है बाई इस साल तक जो ऑपरेशनल है, जो मैंने अभी बताया आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ पावर स्टेशंस वर्किंग है, मतलब ऑपरेशनल है, जो नेशनल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है चलाती है,
और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो ये प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन ऑफ 7480 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी। और भी अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ रिसेंटली जो है आगे आने वाले कुछ साल में, ये तो इन्हीं जो पावर रिएक्टर्स के जो है यूनिट्स को एक्सटेंड किया गया है। तो आगे आने वाले कुछ साल में और 6000 मेगावाट्स ऑफ एनर्जी जो है ऐड हो जाएगी टू द एग्जिस्टिंग 7480। तो अब हिस्ट्री ऑफ जो जो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर हम देखेंगे तो 1950 से स्टार्ट हुआ है जनरेशन वन, फिर जनरेशन सेकंड 1970s से लेके 1990 तक। अब अभी इस टाइम जनरेशन थर्ड चल रहा है, जनरेशन थर्ड पावर प्लांट्स, और जनरेशन थर्ड प्लस एंड फोर्थ भी आने 2030 के बाद आने वाले हैं। तो इसमें किस टाइप के जो है रिएक्टर्स लगे होंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे लाइट वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर, बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं। तो ये जो पहली स्लाइड में मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताई थी रिएक्टर की, तो वो इसमें शिपिंग शिपिंग पोर्ट में यूज़ हुआ था। तो ये अर्ली जो है 1950s में यूज़ हुआ था, देन इसमें ग्रेजुअल चेंज हो गई, रिएक्टर्स जो है इम्प्रूव होने लगे, जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस होने लगे फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी फॉर हीट एक्सचेंज एंड अदर जो इसमें लेक्यूनास थे। तो इसको और इकोनॉमिक बनाने के लिए कुछ और जो है डिज़ाइन मॉडिफिकेशन हो सकती है इन फ्यूचर। तो अब ऑन द थर्मल जो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन लाइट वाटर मॉडरेटर, हैवी वाटर मॉडरेटर, ग्रेफाइट मॉडरेटर। मींस उसमें जो मॉडरेटर यूज़ होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो लिक्विड्स यूज़ होते हैं एज अ मॉडरेटर, तो उसके बेसिस पे जैसे बॉयलिंग वाटर। तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, इसमें जो है पानी जो यूज़ होता है वाटर, सिंपल वाटर यूज़ होता है, यहाँ पे सर्कुलेट होता है इन क्लोज लूप। तो ये जो है इसमें कूलेंट यूज़ होता है ऑर्डिनरी वाटर एज ए मॉडरेटर, मॉडरेटर भी यूज़ होता है। वो मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज करता है, और एज एन कूलेंट जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एक्सचेंज करता है टू द स्टीम जनरेशन, जो सेकेंडरी सर्किट है वहाँ पे उसके लिए जो है उसकी एनर्जी जो है एक्सचेंज करने के लिए। इसको रशिया में VVAR टाइप जो है वाटर मॉडरेटर, इसमें बेसिकली सिंपल वाटर यूज़ होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एज एन मॉडरेटर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकंड इज बॉयलिंग वाटर रिएक्टर, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है टू द सेकेंडरी स्टीम जनरेशन, बट यहाँ पे डायरेक्टली जो स्टीम जनरेट होती है रिएक्टर में ही, वही हम टर्बाइंस में डालते हैं। तो यही एक जो है इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे स्टीम एक्सचेंजर नहीं है, स्टीम जनरेटर नहीं है, हीट जनरेटर नहीं है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर नहीं है यहाँ पे। तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर कोर यहाँ पे टेम्परेचर होता है, इट इज़ अराउंड 285 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो ऑपरेशन विद इन जो है 12 to 5% ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ पार्ट ऑफ कोर, जो यहाँ पे कोर का जो है तकरीबन 15% जो है यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो। इसकी जो एफिशिएंसी है इससे कम होती है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से एफिशिएंसी इसकी कम होती है। प्लस इसमें अगर और कहीं पे कोर ब्रेक डाउन हो गया तो जितना भी न्यूक्लियर हैजार्डस जो वाटर है होता है इसमें, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है इन कांटेक्ट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर कहीं पे भी ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पे लीकेज हो सकता है एंड इट कैन क्रिएट अ डिजास्टर। एंड द अनदर इज प्रेशराइज्ड हेवी वाटर, जो वाटर जब हम यूज़ करते हैं इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ वन, बट यहाँ पे हेवी वाटर हम यूज़ करते हैं इसका एटॉमिक मास होता है टू, इसको ड्यूटेरियम D2O B बोलते हैं, वैसे हम नॉर्मली वाटर होता है H2O, इसका जो जो मास होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ये जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है। तो इसको हम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। तो इसमें जैसे ये फ्यूल्स है, यहाँ पे हम प्रेशर से डालते हैं वाटर एंड देन ये हीट एक्सचेंज करता है विद द स्टीम जनरेटर, सेम ये इसके जैसा, बट यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम जो है हेवी वाटर यूज़ करते हैं।
एंड अनदर इज एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर। इसमें क्या करते हैं, हम गैस जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कूलेंट यूज़ होता है जो एक्सचेंज करता है हीट विद ही स्टीम जनरेटर। यहाँ पे ग्राफाइट रॉड्स भी लगी होती है फॉर द मॉडरेटर, जो कंट्रोलिंग रॉड्स लगी होती है, एज एन मॉडरेटर भी यूज़ होता है ग्राफाइट रॉड्स। यहाँ पे ग्राफाइट एज अ मॉडरेटर एंड कंट्रोलिंग रॉड्स भी एज अ कंट्रोल जो है रिएक्शन भी यूज़ होता है, बट जो हीट एक्सचेंज होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे एरेज, दे रिप्रेजेंट द कार्बन डाइऑक्साइड जो उनमें हीट जो कैप्चर होती है, दे एक्सचेंज दैट हीट विद द दिस पाइप्स। इन पाइप्स में वाटर होता है और ये स्टीम जनरेट करते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के कुछ फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। तो इसके जो फ़ायदे हैं, इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो है इमिशन नहीं होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, 1000 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसको हमको रिफ्यूल करने के लिए 1 साल में उसको एक बार करना है। तो इसमें रेजिलिएंट टाइम इन एक्सट्रीम वेदर, मींस कि अगर वेदर कंडीशंस बहुत ही ख़राब होंगी, फॉर एग्जांपल रेन है, स्नो है, तो इसमें भी ये वर्किंग है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिजिस्ट भी चाहिए, बायोलॉजिस्ट भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, इसमें बहुत टाइप्स के जो है जो एक्सपर्ट्स चाहिए। तो मीन्स के जॉब ओरिएंटेशन, जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है। एंड देन इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, बिकॉज इसमें जो एक तो जिसमें वेस्ट निकलता है दैट इज़ वेरी लेस, जिसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को बोलते हैं। इन कंपैरिजन टू इट्स जो डिसएडवांटेजेस है, तो ये बहुत ही प्रोन है टू द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। जैसे अगर कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया है, वहाँ पे सुनामी आ गई, जैसे फुकुशिमा 2011 में न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में, वो अर्थक्वेक की जो ओशन फ्लोर में अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी आए थे, वो सुनामी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स हो गए तो दे आर उसमें वहाँ से इमिट हो सकता है रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसकी वजह से जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है, दैन दैट कैन क्रिएट वेरी डिजास्ट्रस इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमंस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो उसके अलावा जो यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, हम इसको एज अ जो डिस्पोज ऑफ करते हैं, चाहे अंडरग्राउंड में करते हैं, ओशन में करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। इसको हमें कोई और अदर ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जिस पे हमें ये डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी इट इज़ नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसमें जो फ्यूल होता है दैट इज़ यूरेनियम मोस्टली एंड प्लूटोनियम, जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में अवेलेबल है इन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब वो क्वांटिटी ऑफ जो है यूरेनियम ख़त्म हो जाएगी, देन वी कैन नॉट यूज़ द एनर्जी। तो और भी बहुत सारे फ्यूल्स है, यूरेनियम खाली नहीं है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो उसको हम यूज़ करते कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन। बट जब भी अर्थ बना है उसके कोर में, उसके क्रस्ट में, जब भी जितने भी जितना भी अमाउंट ऑफ यूरेनियम है या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो दैट कीप ऑन डिसइंटीग्रेटिंग। वो क्रिएट नहीं होते बट डिसइंटीग्रेट होते, चाहे वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होते बट स्टिल द क्वांटिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग, दैट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है।